अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट की रेसिपी, एंड दिस इज़ ओरियो चॉकलेट मूस रेसिपी, जिसमें कि हम चॉकलेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ सुपर डिलीशियस। सब ने बहुत रिकमेंड किया कि मैं बार बार बनाऊँ और हमेशा बनाऊँ, बहुत मज़ा आया सबको खा के। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आई होप सबको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। चार इंग्रेडिएंट जो सामने रखे हुए हैं, बस यही इसमें इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हमने लेना है एक कप भर के व्हिपिंग क्रीम। दोनों ऑप्शन यूज़ कर लें आप, मैंने हैंडविश भी सामने रखा हुआ है, चाहें तो आप इससे अच्छे से मिक्स करते रहें, बट इससे टाइम बहुत आपका लगेगा, ठीक है। या तो फिर आप चाहें हैंड बीटर जो होता है उससे बीट कर सकते हैं इसको, जिससे कि बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं हैंड बीटर का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैं जल्दी से बनाना था। तो बस हैंड बीटर की मदद से आपने इसको अच्छे से व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना है, तब तक जब तक इसमें स्टिफ पिक्स ना आ जाए। मैं आपको बताऊँगी स्टिफ पिक्स कैसे आती हैं। ये देखिए, आपने बीट करते रहना है। स्टिफ पिक्स ऐसे आएंगी जब इसके ऊपर एक पीक, पीक का मतलब क्या होता है, चोटी होती है, ठीक है। तो बस इसके ऊपर एक अच्छी सी चोटी तैयार हो जाए, आप समझ जाएँ कि आपके स्टिफ पिक्स आ चुके हैं। अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया व्हिपिंग क्रीम में, सिर्फ ठंडी बिल्कुल बर्फ़ से निकली हुई ऊपर फ्रीज़र की व्हिपिंग क्रीम है, जिसको हम इस तरीके से बीट कर रहे हैं। अभी भी देखें स्टिफ पिक्स नहीं आए इसमें, तो कंटिन्यू आपने तब तक बीट करना है जब तक अच्छे से इसमें स्टिफ पिक्स आ जाए। आप ये काम हैंड मिक्सर की मदद से कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये देखें पीक नज़र आ रही है आपको, अब ये गिर भी नहीं रही है। तो बस इस स्टेज पे आपने कोको पाउडर 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है, क्योंकि मेरे पास चॉकलेट अवेलेबल नहीं थी और मेरा बहुत मूड था चॉकलेट ही कुछ खाने का, तो बस मुझे बनाना था। और ये कोको पाउडर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्राफ्ट कंपनी है, ठीक है। आप चाहें तो वो यूज़ कर लें और इससे बिल्कुल चॉकलेटी फ्लेवर आता है। अगर आपके पास चॉकलेट अवेलेबल हो तो आप चॉकलेट ऐड कर लीजिएगा मेल्ट करके इसमें, ठीक है। लेकिन कोको पाउडर भी डालेंगे तो परफेक्ट आपको बहुत ज़बरदस्त चॉकलेटी रिजल्ट आएगा। तो इसको भी हमने अच्छे से कर लेना है इसमें मिक्स। अब व्हिपिंग क्रीम ऑलरेडी हमारी मीठी है, लेकिन फिर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क 1/2 कप। आप चाहें तो फिर पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंडेंस मिल्क ऐड करना चाहें तो कंडेंस मिल्क ऐड कर लें। इसको ऐड करने के बाद हमने एक दफ़ा इसको भी अच्छे से कर लेना है मिक्स, ताकि हमारे तमाम इन्ग्रीडियंट्स जो हैं वो अच्छे से हो जाएंगे मिक्स। तो बस कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद आपने सिर्फ 1 मिनट इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है, और ये हमारा मूस रेडी है। अब क्योंकि हम बना रहे हैं ओरियो चॉकलेट मूस, तो अब हमने इसमें ऐड करना है ओरियो बिस्किट। तो ओरियो बिस्किट को इस तरीके से हमने छोटा छोटा तोड़ लिया है। इसके बाद इसमें पाउडर करके नहीं डालिएगा, वो फिर वो मज़ेदार टेस्ट नहीं आता। जो क्रंची सा टेस्ट आएगा ना, इसको आप खाएंगे तो बहुत ही लाजवाब लगेगा। इसको एक बार अच्छे से कर लें आप मिक्स। अब बिस्किट की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जितना चाहें उतना डाल दें। बहुत ओवर भी कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो मज़ेदार नहीं लगता, ठीक है। तो लिमिटेड रखिएगा। मैंने इसमें जो 30 रुपीज़ के बिस्किट डाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको अच्छे से किसी और बॉल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने इसको जब चिल अच्छे से इसको सर्व जब करेंगे तो चिल्ड होना चाहिए, बहुत अच्छे से ठंडा होना चाहिए, तभी ये मूस बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब लगेगा। तो चलें जी, अब इसको रख देते हैं हम इस तरीके से इसमें कन्वर्ट करके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं गार्निशिंग कैसे करूँगी, ऊपर से तो मेरे पास चॉकलेट भी नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क बचा लिया था। सबसे पहले मैं ओरियो बिस्किट किस तरीके से क्रंच डालूँगी, उसके बाद जो कंडेंस मिल्क मैंने डाला था ना, वो प्याले में थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने उसमें क्या किया 1/2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाला और उसको मिक्स कर लिया, तो हमारी चॉकलेट भी रेडी हो गई। आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर लें, लेकिन थोड़ी सी डेकोरेशन अच्छी लगती है। ये देखें जी, कोको पाउडर में मैंने कंडेंस मिल्क में कोको पाउडर मिक्स किया और ये चॉकलेट रेडी है। इसे थोड़ी सी हम गार्निशिंग कर लेते हैं, जिससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो गया था, बहुत ही मज़ेदार, और डेकोरेशन में हमें थोड़ी सी अच्छी लग रही थी बस इस तरीके से। लेकिन इस वक्त मैंने थोड़ी सी गलती की, मैंने स्पून की मदद से डाला था, वो अगड़म बगड़म बगड़म बन गया। आप चाहें तो फिर किसी बॉटल में छोटी सी हो, या फिर आपके पास कोई शॉपर हो पाइपिंग बैग, उसमें ऐड करके डालेंगे, एक खूबसूरत सा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो बस ये बस अफरा तफरी में जल्दी से ये काम हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत प्यारा सा नाटी सा बच्चा बैठा हुआ था जो बहुत एक्साइटेड था इसे खाने के लिए। तो बस ये हमारा ज़बरदस्त ओरियो चॉकलेट मूस रेडी है, इसको करेंगे चिल्ड, ताकि जब हम सर्व करें तो बहुत ही लाजवाब लगे। तो बस ये अच्छे से चिल्ड हो चुका है, अब मैं इसको कुछ सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, सो क्रीमी, सो डिलाइट, डिवाइन टेस्टेड, ट्रस्ट में एक बार ट्राई करेंगे आप हमेशा बनाएंगे। झटपट बन जाने वाला डिज़र्ट है, जब कोई गेस्ट आ जाए तो सडनली आप इसको फ़ौरन तैयार कर सकते हैं। मज़ेदार, मतलब सॉरी,
तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट्स माई अम्बर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग एन आई हेयर एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, हाफिज़।